गुड मॉर्निंग क्लास एट। आज मैं आप लोगों को चैप्टर फोर पल्लव से गौरा के क्वेश्चन आंसर को का डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। गौरा कौन थी? गौरा गाय की बछिया थी जो लेखिका की बहन श्यामा के घर से आई थी। लेखिका का श्यामा के साथ क्या रिश्ता था? लेखिका और श्यामा दोनों बहनें थी। गाय के बारे में महात्मा जी ने क्या कहा है? गाय के बारे में महात्मा जी ने कहा है कि गाय करुणा की कविता है। लेखक ने बछड़े का क्या नाम रखा? लालमणि, ठीक है। लेखिका ने बछड़े का नाम क्या रखा? लालमणि रखा। गौरा का स्वरूप कैसा था, यानी देखने में वो कैसी थी? तो ये होगा, गौरा लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमल की दो पंखुड़ियों जैसे कान, सघन लंबी पूंछ। ऐसा लगता था कि गौरा का सब कुछ किस में ढला हुआ था? सांचे में, यानी कि गौरा देखने में बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। बंगले पर गौरा का स्वागत कैसे हुआ? गाय जब बंगले पर पहुंची, उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का टीका लगाया गया, यानी बहुत ही भव्य तरीके से उसका स्वागत हुआ। गौरा के दूध का भोग कौन कौन करते थे? गौरा के दूध का भोग, भोग मीन्स जो खाते पीते थे, आसपास के लोग, कुत्ते बिल्ली, ये सब गौरा के दूध का भोग करते थे, ठीक है। गौरा को सुई किस चीज़ में मिलाकर खिलाई गई थी? गौरा को सुई गुड़ की डली में मिलाकर खिलाई गई थी। लेखिका ने गौरा का पालन पोषण किस प्रकार से किया था? लेखिका ने गौरा का पालन पोषण विशेष रूप से किया था। अन्य गाय बच्चियों से अलग उसका पालन पोषण कुछ अधिक ही लाड़ और दुलार से किया गया था। ग्वाला क्यों गायब हो गया? जब ग्वाला को पता चला कि ग्वाला ने जो कुकृत्य किया है, यानी बुरा काम जो किया है, गाय को गुड़ में सुई देकर खिलाकर, जब इस बात का पता लेखिका को चला तो डर से ग्वाला गायब हो गया। गौरा कैसे बीमार पड़ गई? ग्वाला के द्वारा गुड़ की डली में सुई मिलाकर खिलाने के कारण गौरा बीमार पड़ गई। गौरा के मृत्यु संघर्ष का वर्णन बड़ा ही क्या था? मार्मिक था, ठीक है। जैसे जैसे सुई खून से उसके हृदय तक पहुंचती गई, गौरा को बहुत तकलीफ होने लगी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और लेखिका ने जब डॉक्टर को बुलाया तो रोज़ मोटे मोटे इंजेक्शन गौरा को पड़ते थे, जिसकी पीड़ा वो, जिसका दर्द वो चुपचाप सहती थी। कभी कभी उसकी आंखों के किनारों पर आंसू की बूंदें लुढ़क जाया करती थी। इस तरह वह दुख को झेलती हुई अपने जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी यहाँ ये बताया गया है कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए वो एक बेजुबान जानवर को भी कष्ट देने से नहीं चूकता है और अपनी मानवता पर, इंसानियत पर कलंक लगा देता है। सुमेलित कीजिए तो आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ मेन है कि हम यहाँ इसका ग्रामर एक बार आपको दिखा दें, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। अति जोड़ आचार, अत्याचार, प्रति जोड़ ध्वनि, प्रतिध्वनि, उपजोड़ योग, उपयोग, अनुजोड़ वाद, अनुवाद, वि जोड़ शेष, विशेष, उपजोड़ स्थित, उपस्थित। शुद्धिकरण आपको खुद करना है, क्योंकि ये सारे शब्द आपके किताब से ही हैं। अब है पर्यायवाची, बहन का भगिनी, सहोदरा, अग्रजा, गाय का गौ, धेनु, सुरभि, खग का नभचर, पंक्षी, आँख, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, जो भी लिख सकते हो, दूध, दुग्ध, गोरस, क्षीर, घर, भवन, सदन और गृह। यदि आपने अपने घर, आपके मित्र के घर कोई पालतू पशु को देखा है तो उसके स्वभाव के बारे में लिखिए कि क्या आप उस पशु को प्यार करते हो या उसके साथ खेलना पसंद करते हो। ये आप खुद से 7 से 10 लाइन तक लिखोगे। थैंक यू।